हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हबीबगंज से रानी कमलापति नाम कैसे चेंज हुआ, किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे बदला जाता है, जानिए क्या है प्रक्रिया। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। स्टेशन एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा कि नाम बदलने से स्टेशन का महत्व बढ़ा है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इस स्टेशन को शाहपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया। रानी कमलापति गोंड समुदाय की रानी थी, उनके नाम पर ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। रानी ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। स्टेशनों के नाम क्यों बदले जाते हैं? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किए जाने से पहले भी देश के कई स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। 2014 के बाद कई स्टेशनों को नए नाम दिए गए हैं, जैसे मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। इस साल इलाहाबाद स्टेशन को भी नया नाम प्रयागराज मिला। जुलाई 2021 में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मडुआ डी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। इस तरह इस साल दिवाली पर फैजाबाद जंक्शन स्टेशन का नाम भी बदलकर अयोध्या कैंट स्टेशन रखा गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।